सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सुरेश रैना भारत के अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं। रैना कई मौकों पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को जीत दिला चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में जन्मे रैना बचपन में लखनऊ में एक स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहते थे। इस हॉस्टल में उन्हें अजीबोगरीब चीजों से दो चार होना पड़ा, मतलब इस हॉस्टल में जब तक वो रहे उन्हें कई अजीबोगरीब चीजों का सामना करना पड़ा। हॉस्टल लाइफ में रैना को काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। रैना ने बताया कि एथलेटिक्स ब्रांच के कुछ लड़के उनसे जलते थे क्योंकि उन पर क्रिकेट कोच बहुत ज्यादा ध्यान देते थे और वो सोचते थे कि रैना जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। वो लड़के वहाँ सर्टिफिकेट लेने आए थे ताकि आगे जाकर वो स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी पा सके। ट्रेन वाली घटना से पहले हॉस्टल में रैना के साथ बहुत सारी गंभीर घटनाएं घट चुकी थी जिसकी वजह से रैना बहुत डर गए थे और हॉस्टल छोड़कर घर लौटने का मन बना चुके थे। यहाँ तक कि हॉस्टल में लड़कों से तंग आकर उन्होंने एक बार आत्महत्या करने की भी सोच ली थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।